सो गाइस, आज तारीख हो चुकी है 21 जून 2022। आज हम बात करेंगे मुंबई इंडियंस टारगेट प्लेयर्स इन आईपीएल 2023। वही बताऊंगा कि आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन और ट्रेड विंडो में अब किन खिलाड़ियों को टारगेट करने वाले हैं, साथ ही बताऊंगा कि कितने रुपए में इनको टारगेट करके अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है बेन स्टोक्स का, जो कि आईपीएल 2022 में किसी भी टीम से नहीं खेले थे। इनको निश्चित रूप से मिनी ऑक्शन में ये टीम टारगेट करने वाली है और लगभग 15 से 16 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च किए जा सकते हैं। जिस तरीके के ये प्लेयर हैं, मुंबई इंडियंस को जरूरत है मिडल और लोअर ऑर्डर बेहतरीन बल्लेबाज की, जो कि समय समय पर बेस्ट कीमती विकेट भी चटकाते हैं। वहीं बात करें नंबर 2 पर सैम करन का नाम आता है, जिनको मिनी ऑक्शन या ट्रेड विंडो के तहत मुंबई इंडियंस की टीम 6 से 7 करोड़ रुपए में ट्रेड करने वाली है। निश्चित रूप से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं डील करना शुरू कर दी है। वहीं जोश हेजलवुड, जिन्होंने 2022 आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन किया था, इनको भी निश्चित रूप से टारगेट करने वाली है। वहीं यूजी चहल, जो कि राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया आईपीएल 2022 में, निश्चित रूप से इनको ट्रेड करने के लिए 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। नंबर 5 पर नाम आता है क्रिस लिन का, जो कि जबरदस्त ओपनर बल्लेबाज है। निश्चित रूप से मुंबई इंडियंस को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बेहतरीन तेज शुरुआत दे सके। क्रिस लिन से बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। इनके ऊपर 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है। करें मुंबई इंडियंस के लिए राहुल त्रिपाठी जैसे खिलाड़ी की सख्त जरूरत है, जो कि किसी भी नंबर पर जाकर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इनको 4 से 5 करोड़ रुपए में आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वहीं बात करें नंबर 5 और नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए, रोमन पॉवेल जैसा बेहतरीन बल्लेबाज मुंबई इंडियंस को निश्चित रूप से चाहिए, जिनको 8 से 10 करोड़ रुपए में आसानी से ट्रेड किया जा सकता है। वहीं रविंद्र जडेजा से अंदर ही अंदर डील करना शुरू करते हैं मुंबई इंडियंस में, इनको ट्रेड करने के लिए पूरा मन बना लिया है, 8 से 10 करोड़ रुपए इनमें खर्च करने वाली है। वहीं बात करें जेसन रॉय, जो कि विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है, निश्चित रूप से इनको ट्रेड करने वाली है। फ्रेंड्स, वहीं बात करें नंबर 10 पर नाम आता है फिल साल्ट का, जो कि इंग्लैंड के विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज है। निश्चित रूप से मुंबई इंडियंस को एक ऐसे ही खिलाड़ी की जरूरत है जो कि शुरुआत काफी तेज देने में सक्षम हो। निश्चित रूप से मिनी ऑक्शन में इस खिलाड़ी के पीछे ये टीम भागने वाली है और 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। लगभग सारी टीमें इनके पीछे भागने वाली है जिस तरीके का इनका हालिया फॉर्म है। फ्रेंड्स, आपके अकॉर्डिंग मुंबई इंडियंस की टीम किन किन खिलाड़ियों को टारगेट करेगी, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।